गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉम्स बेबी। गाइस, आज हम कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह, आप सभी को ये बाद में देखने को पता चलेगा। गाइस, अभी टाइम जो हुआ है वो हुआ है सुबह के 7:45 हैं, पर हम कहीं जा रहे हैं और बहुत दूर जा रहे हैं। यहाँ से 2 से 3 घंटे का डिस्टेंस है एंड मैं पीछे बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड आगे ड्राइव कर रहे हैं बिकॉज उनके साथ किसी और ने बैठना है। तो चलो, अभी हम घर से निकले ही हैं, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। ये है बाहर का व्यू गाइस, बाहर बहुत गर्मी लग रही है मुझे देखने में और रियल में गर्मी हो ही रही है। लेकिन आपको दिखा देती हूँ बाहर कैसे बहुत गर्मी है। बाहर हमने अंदर गाड़ी में एसी चला रखा है, गर्मी हो रही है, बट कल मौसम यहाँ पर अच्छा था। बट इस जो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा फ्रेंड है, ये इसी के लिए हम वेट कर रहे थे यहाँ पर खड़े हुए। इसको हमने पिक कर लिया था जाते हुए और हम साथ में इकट्ठे जाते हैं एग्जाम्स देने, तो मैंने सोचा कि चलो। गाइज, ये जो देख रहे हैं आप एशियन कॉलेज ऑफ लॉ, यही मेरा कॉलेज है जहाँ से मैं लॉ कर रही हूँ। ये सभी बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज, बस यही था कि आप सभी जो है ड्रेस चल कर रहे हैं आपको सब ब्लैक में और ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट में इसीलिए दिख रहे हैं। मैं भी ब्लैक कुर्ती एंड सॉरी वाइट कुर्ती एंड ब्लैक जीन्स डाल के गई थी। तो बस यही है कि हमें एज ए एडवोकेट ड्रेस में जाना होता है, तो इसीलिए सब बच्चे ऐसे पहनकर आए हैं और ये मेरा कॉलेज है। अब हम गाइस निकल चुके हैं वहाँ से। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही हूँ। तो ये मैं बाद में ही मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया और फिर इसमें ऐड किया है क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। और हम गाइस, अब हम घर आ चुके हैं और अब बज रहे हैं शाम के 5:30। हम 3 बजे आ गए थे, आके मैंने चाय पी ली है, खाना खा लिया है, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। तो मैंने सोचा चलो अब आप लोगों से बात क्यों ना कर ली जाए। गाइस, आज हम जो गए थे वो हम गए थे सरसावा। एक्चुअल में क्या था कि मेरा प्रैक्टिकल था और मैं लॉ कर रही हूँ, 6 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल था। तो गाइस, अगर किसी को करनी भी है आप लोगों को, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी डिटेल्स। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों ने सुना ही होगा, वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जहाँ से मैं कर रही हूँ। तो गाइस, आज हम बट जो मेरा प्रैक्टिकल था वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में नहीं था, मैं जिस कॉलेज से कर रही हूँ वहाँ पर था, एशियन कॉलेज ऑफ लॉ। तो गाइस, वहाँ हम वो सरसावा में है, तो हम वहीं पर ही गए थे आज सुबह। हम घर से वही 7:45 निकले थे और हम 3 बजे घर आए। तो आकर हमने खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और अब चाय वाय पी है। तो मैंने सोचा कि चलो अब हम कुछ गपशप कर लें। गाइस, क्या हुआ कि कल भी मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल ऐसा था कि आरू 1 मिनट के लिए भी सोई नहीं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कोई प्रेगनेंसी टिप शेयर करने का। आई नो गाइज, आप सभी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हो कि मैं आप सभी के साथ प्रेगनेंसी टिप्स शेयर करूं, बट गाइज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि हम चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते। एक्चुअल में गाइज, आप सभी को ही पता होगा कि जब घर में एक छोटा बच्चा हो तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल मैं अकेली हूँ सामने के लिए, तो जिस दिन वो नहीं सोती है उस दिन तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर करने में। तो वही रहा कल भी मेरे साथ, कुछ मुझे प्रैक्टिकल की भी टेंशन थी कि हाँ मुझे एक्चुअल में प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ना भी था और कुछ कल मम्मा भी आई हैं मेरे, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपनी मम्मा से बहुत जल्द मिलवाऊँ क्योंकि उनको आना पड़ा, क्योंकि एक तो हमने आज प्रैक्टिकल देने जाना है और हमें मैरिज में भी दान जाना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमें किसकी मैरिज में जाना है और कहाँ जाना है, एंड होप कि मैं आपको मैरिज की वीडियोस भी आप सभी के साथ शेयर करूँ वहाँ पर। फुल आपको वहाँ पर मैं आपको पूरी मैरिज दिखाऊंगी, कैसे हमारी मैरिज होती है, क्या होता है मैरिज में, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी जब मैं जाऊँगी। तो मेरी मम्मा जो आई हैं वो इसी रीज़न से आई हैं, मैरिज के लिए भी और कुछ आज प्रैक्टिकल के लिए आए थे क्योंकि आरू को हम इतनी गर्मी में लेके नहीं जा सकते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, चाहे गाड़ी में ही जाना है बट क्या था कि वहाँ पर कॉलेज में बहुत गर्मी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मा को 2 दिन पहले क्यों ना बुला ली जाए, तो मैंने मम्मा को बुला लिया। एंड गाइस, मैं आप सभी के साथ बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टिप्स भी शेयर करूँगी, आज तो नहीं हो पाएगा, हाँ मैं कल आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी टिप्स शेयर करूँगी। गाइस, आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। पर आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइबर भी जो न्यू आते हैं चैनल पे, उनको वो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब को भी क्लिक करें। व्यूज़ तो मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे आ रहे हैं, विदाउट एनी होप मुझे इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, वो सब आप ही की दया है, आप ही की कृपा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू है अगेन। एंड गाइस, आज यहाँ पे मौसम भी मैं बाहर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत कूल मौसम हो रहा है।
तो मैंने सोचा कि चलो अब इतने अच्छे मौसम में आप लोगों के साथ कुछ बातें ही कर ली जाएँ, तो इसीलिए बस मैं अभी थोड़ा आप लोगों के लिए बातें कर रही हूँ। गाइज़, अगर आप लोगों को कुछ भी मुझसे पूछना होता है, कुछ भी एनी थिंग एल्स आपको अगर इस यूनिवर्सिटी के मेरे मुझसे पूछना है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना, मैं आपको अपना मेल आई डी दे दूँगी। अगर आपको चाहिए है कि हाँ हमें यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दें, तो आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।